सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज जींद जिले के मुख्यालय के नागरिक अस्पताल परिसर में कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसमें लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की आकर्षक प्रस्तुतियां पेश की गईं और आम जनमानस को बताया गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से न घबराएं। जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि नुक्कड़ नाटक में आमजन को विस्तार से समझाया गया है कि कोरोना वैक्सीन के कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजेश अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को कोरोना वैक्सीन के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें। सिविल सर्जन है डॉक्टर मनजीत सिंह, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के अंदर जो है वो जो COVID-19 का इन्फेक्शन है, महामारी है, और जो नई वैक्सीन जो भारतीय डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है उसके बारे में जो है लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयर किया गया और जागरूकता फैलाई गई कि बीमारी किस तरह से फैलती है, किस तरह से हम लोगों को इसको बचाव करना है। COVID-19 के चलते पूरे एक साल से जो हालात कोविड में बने हैं, लॉकडाउन भी आया, जनता कर्फ्यू भी लगा और लोग कोविड से पीड़ित थे, और अब भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है और उसका उपयोग स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों पर किया है, और आम जनता के लिए भी उस वैक्सीन को जनता के बीच में लाया जा रहा है। रंगकर्मी रविशंकर और मनीषा ने बताया कि आज उन्होंने अपनी कला के माध्यम से आमजन को कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूक किया है। यह कि लोगों को जो भ्रम है लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति, वो खत्म किया जाए ताकि लोग उसको लगवाने के लिए आगे आएँ। सरकार द्वारा दो वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जनता के लिए दी गई हैं, और कड़े ट्रायल के बाद, कड़े परीक्षणों के बाद उसको रिलीज किया गया जनता के लिए वैक्सीन। तो इस चीज़ के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना है। वैक्सीन का जो टीका है वो एक हमारे लिए बहुत जीवनी का काम कर रहा है, और इसी प्रकार हम लोगों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम अलग अलग एरिया में जाके उनको वैक्सीन